Hi guys, welcome or welcome back to my channel, the Fusion YouTuber. I'm Diya Chawla, and in today's video, I'm back with my monthly favorites. I have some favorites in November month, but I was like, well, बहुत कम है. Let's combine it into December month. So I'm back with them, and I have 2 to 3 skincare or hair care favorites with me, but most of them are makeup and especially lip favorites. So I think that is all for the introduction. Let's start the video. The very first product is this one. This is by the brand Nia. It's their serum, which has niacinamide, hyaluronic acid, vitamin C and E all together, and this is really good. आपके pores पे भी work करेगा. अगर आपकी dry skin है आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, because niacinamide somehow आपकी skin को थोड़ा सा dry करता है, vitamin C आपकी skin को बहुत ज़्यादा dry करता है. सो इसमें दोनों के गुण हैं. साथ साथ में आपको मिल जाएगा विटामिन ई, जो कि अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट करके रखता है. आई रियली लाइक यूजिंग दिस. माय नेक्स्ट फेवरेट इज़ दिस वन. दिस इज़ फोक्स टेल सेरामाइड सुपर क्रीम हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर, एंड इफ़ यू आर अ पर्सन हु हैज़ ड्राई और एक्सेसिव ड्राई स्किन, प्लीज़ गो फॉर दिस वन. और कुछ आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट अप्लाई दिस. बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट मॉइस्चराइज करता है. आपकी स्किन ना इसको लगाने के बाद में सॉफ्ट भी हो जाती है, जो मैंने फील किया है. जो मेरी स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, एज अ बेबी सॉफ्ट स्किन लग रही थी मुझे. इसको लगाने के बाद में इट हैव वेरी प्लेजेंट फ्रेग्रेंस, जो आपके सिर को नहीं चढ़ेगी, आपको इरीटेट नहीं करेगी. My next favorite is this one. This is Saint Botanica's Cow Moroccan Argan Hair Oil, which says promotes healthy, strong and shiny hair. Healthy and strong का I don't know, but yeah, shine बहुत अच्छे से provide करता है, आपके hairs को काफ़ी ज़्यादा soft बना देता है. And the fragrance of this one, I just love it. I love using this. But अगर आप hair oil अच्छे से इसको लगाते हो ना, भर भर के लगा रहे हो कि किसी और hair oil के साथ में लगा रहे हो, तब आपको shampoo काफ़ी extra use करना पड़ेगा, because ये नहीं निकलता है easily, and आपको बहुत सारा shampoo use करने की ज़रूरत पड़ती है. Let's start with the makeup first, and the very first thing I have is a foundation. It is by MyGlam. It's their Treat Love and Care Oil Control Foundation. My shade in this one is Refresh. I tried it because I wanted to try it from a very long time, because इसको ना मैंने बहुत hype सुनी थी, and I was like ये इतना hyped क्यों है. So I tried it and I loved it in the first go itself. जब भी मैंने इसको first time use किया था ना, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, और उस ही time में समझ गई that why this product is a hyped product. इसकी quantity आपको बहुत थोड़ी दिख रही है, और आपको चाहिए भी बहुत थोड़ी क्वांटिटी फुल फेस आपका कवर करने में. इसका कवरेज बहुत अच्छा है, ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाता है, एंड ये इतना ये फेस पे इतना ज़्यादा लाइट फील होता है कि आपको लगेगा ही नहीं डैट आपने फेस पे कुछ अप्लाई किया हुआ, कुछ फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ. माई नेक्स्ट फेवरेट इज़ फ्रॉम ब्यूटी रिले लंडन, एंड इट्स दिस पैलेट. दिस इज़ अ कंसीलर पैलेट. दिस इज़ हाई ऑक्टेन ऑक्सीजन बूस्ट कंसीलर. सो इट लुक्स लाइक दिस. इसमें आपको करेक्टर शेड्स मिल जाएंगे, आपको कॉन्टोर मिल जाएगा, एंड आपको अपना शेड मिल जाएगा कंसीलर का, द लाइट शेड. ये वाला मुझे बहुत अच्छे से मैच करता है, इतने अच्छे से मेरे डार्क सर्कल्स को हाइड कर देता है डैट आई डोंट नीड टू यूज़ दिस. ठीक है, अगर आपके स्पोर्ट्स भी हैं ना, हल्के फुल्के से हैं, बहुत अच्छे से कवर कर लेगा, ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाता है, एंड स्टे काफ़ी ज़्यादा अच्छा करता है. सो आई रियली लाइक दिट. माई नेक्स्ट फेवरेट इज़ ऑल्सो फ्रॉम MyGlam, एंड इट्स देयर के प्ले flavored blush, and I have strawberry. When I applied it on my face after foundation foundation setting, I think ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ. इसका कलर इतना अच्छा लगा, मेरे फेस को इतना ज़्यादा सूट किया, एंड फ्रेग्रेंस इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट, लाइक इसको ना खाने का भी मन करता है. सो आई रियली लाइक इट, एंड इस पर ना ऐसे स्विरल सा बना होता है. माई नेक्स्ट फेवरेट इज़ दिस वन. दिस इज़ टिप्सी ब्यूटी का चा चिंग हाइलाइटर इन द शेड स्टनिंग. सो ये कुछ ऐसे कार्ड फॉर्म में खुलता है ऐसे करके. आई हैव सो मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑन दिस अभी, एंड दैट्स हाउ इट लुक्स. ब्लेंड शाइन, एंड ओ माई गॉड, इट लुक्स लग्जरी प्रोडक्ट. सो आई जस्ट लव इट, एंड यू कैन सी ये बहुत ही प्यारे तरीके से ब्लेंड होता है, और मतलब काइंड ऑफ कह सकते हैं ब्लाइंडिंग हाइलाइटर है. इसको अगर एक्स्ट्रा यूज़ कर लोगे ना, पूरा ऐसे चमक चमक हो जाएगा.
इट हैज़ गोल्ड एंड शैम्पेन मिक्स ऑफ थिंग, लाइक उसका कलर थोड़ा सा ऐसा आता है, सो फेस पे भी ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर आता है, बहुत सुंदर दिखता है. एंड आई हाईली रिकमेंड, अगर आपका बजट अलाउ करता ना, प्लीज़ गो एंड गेट दिस वन. दिस टाइम आई ट्राइड दिस वन, दिस इज़ ब्यूटी रिले लंडन का आई टूशे मस्कारा एंड दिस इज़ रियली गुड. एज यू कैन सी आई अप्लाइड ऑन माई लैशेज टूडे, सारी लैशेज बिल्कुल अलग अलग हो जाती हैं इसके साथ में, बट दिस वन इज़ रियली गुड. परफॉर्म भी बहुत अच्छा करता है, एज यू कैन सी ऑन माई आईज लैशेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं. इसका जो फॉर्मूला है वो भी काफ़ी अच्छा है एंड द बैंड इज़ ऑल्सो लिटल बिट ट्विस्टेड, सो आपको अपनी लैशेज को कर्ल करने में और ज़्यादा ईजी हो जाता है. अनदर फेवरेट इज़ ऑल्सो फ्रॉम माई ग्लैम एंड इट्स अ नेल प्रोडक्ट. इट इज़ देयर लिट एसीटोन फ्री नेल इनेमल रिमूवर. एसीटोन फ्री होने के साथ साथ में ये ग्रीन टी के साथ में आता है, वाइटमिन ई है, सो जब भी आप नेल पेंट रिमूव करोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा आपके नेल्स की ना मतलब ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. नेल पेंट रिमूव होने के साथ साथ में ये आपके नेल्स को नरिश भी करेगा, सो आई रियली लाइक इट एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है. माई नेक्स्ट फेवरेट इज़ दिस लिप लाइनर बाई ब्यूटी रिले लंडन, इट्स देयर मार्कर लिप लाइनर, सो दीज आर रियली गुड. मैंने एक दो शेड्स ट्राई किए हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, आप इसको एज अ आई लाइनर भी लगा सकते हो. यू कैन सी पिगमेंटेड भी बहुत है और सॉफ्ट भी बहुत हैं. मुझे सीरियसली बहुत पसंद है एंड आपके लिप्स पे इतने सुंदर तरीके से ग्लाइड ऑन हो जाते हैं. My next favorite is these lipsticks. Actually, I have two favorites from the same range. This is Popexo Liquid Lipstick, जो कि My Glam के साथ में है. In the shade Ride or Die, the brown one, and Cheerleader, the pink one. Cheerleader को तो मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ किया है. जब भी कहीं आना जाना है, आउटिंग है कहीं पे या कोई काम है, मैं बस इसको लगाती थी और चली जाती थी. ये बहुत ही सुंदर शेड है एंड दे आर वेरी वेरी कम्फर्टेबल, लाइट ऑन लिप्स. ये ना आपके लिप्स को बहुत ज़्यादा लाइक ड्राई फील नहीं करवाते, जैसे कि लिट लिपस्टिक्स फील करवाती हैं समटाइम्स, ये उससे बिल्कुल ऑपोजिट है. सिंगल भी ये बहुत सुंदर लगता है और लिपस्टिक के साथ टॉप अप होके भी बहुत सुंदर लगता है, एज यू कैन सी ऑन माई लिप्स. इसको मैंने एक पिंक लिपस्टिक के ऊपर टॉप अप किया था एंड इट लुक्स रियली गुड. Now I have a lip combo which was my favorite in the last days of November and whole December month. So I have these three products. First is this Swiss Beauty ka lip liner in the shade Burgundy. But I applied this lipstick. This is NY Bay Primer Plus Matte Lipstick in the shade Rule of Life 10. These are also very light but not very long lasting. So isko apply kiya. Which looks like this. And उसके बाद I applied this gloss by Swiss Beauty and जो lip combo बनता था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर. मैंने कितनी looks ऐसे ही की है, मतलब मैंने और कोई lipstick लगाई नहीं, मैंने बस ये तीन चीज़ें लगाई lips पे and done. This one is a clear lip gloss. आप इसमें इन्वेस्ट कर लो एंड किसी भी लिपस्टिक के ऊपर लगा लो, आपका लिप शेड और ज़्यादा सुंदर हो जाता है, आपके लिप्स और ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं. सो आई हाईली हाईली रिकमेंड दिस एंड दिस वॉज माई फेवरेट. एंड यार डैट वॉज माई वीडियो फॉर टुडे. आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल एंड यूजफुल. इफ येस देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो.